तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं सब बहुत सही होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो रहने वाली है फिर से हमारी कार्डी के फोर पे, एंड गाड़ी जो है वो रहने वाली है किया की सोनेट एंड HTX मॉडल ये रहने वाला है। और जो ओनर है इसके वो स्पेशली शिमला से आए हैं, उनको दिल्ली में काम था तो उन्होंने हमारी वीडियो देखी थी कार्डी K4 की, तो वो शिमला से आए हैं यहाँ पे काम करवाने के लिए। एंड आपको ओनर से भी मिलवाएंगे, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। तो पहले आपको एक बार गाड़ी में दिखाते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है। तो गाइस ये रहने वाली है गाड़ी आज की, एंड गाड़ी जो है ये शिमला साइड की है, ओनर आए हैं लगवाने। तो गाइस इसमें सबसे पहला जो काम हुआ है वो हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने ये जो लाइट है ये चेंज करवाई है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस मॉडल में XL लाइट का ही 50 वॉट का आता है हेलोजन लाइट, तो इसमें उन्होंने यहाँ पे लगवाई है अपनी LED लाइट 65 वॉट्स की। एंड इसका जो रिस्पांस है वो हमने एक दूसरी वीडियो में दिखाया है, अभी तो मॉर्निंग हो रही है तो आपको इतने अच्छे से दिखेगा नहीं, बट एक काम ये हुआ है। एंड उसके बाद जो है वो है अपनी फेमस कार्डी की लाइट्स, एंड बहुत डिमांड में चल रही है आजकल ये, तो अभी इसका आपको ओवरऑल लुक भी चेक करवाएंगे। तो वैसे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे फिटिंग जो है वो कार्डी की हो गई है। एंड मैं आपको एक बार इसका कंट्रोल बॉक्स दिखाता हूँ, तो ये कुछ ऐसा रहता है, इसमें आप बेसिकली प्लग एंड प्ले होता है और ये आपके दरवाजे के पीछे हाइड हो जाएगा। एंड अभी आगे के जो दो दरवाजे हैं उनमें लग चुकी है, मैं आपको वहाँ से एक बार इसकी फिटमेंट दिखाता हूँ। ये देखो गाइस ये कार्डी लग चुकी है, एंड आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी इसकी फिट एंड फिनिश है। एंड अभी आपको इसका रिस्पांस भी चेक करवाएंगे, एक बार सारी लग जाएं अभी यहाँ पे लगेगी। तो ये 18 पीस वाली कार्डी है तो हर जगह लगेगी अभी धीरे धीरे, तो आपको इसका फाइनल आउटलुक भी चेक करवाएंगे। तो भाई ऐसे दिया जाता है इसमें कनेक्शन। तो भाई ये जो वायर है ये बैटरी से अटैच्ड है? नहीं, फिर ये फ्यूज़ बॉक्स है। फ्यूज़ बॉक्स से अटैच्ड है। आपको एक बार पैनल में भी जो आगे फिटमेंट हो रही है वो चेक करवाता हूँ। यहाँ भैया लगे हुए हैं, जैसे भैया कार्डी चल रही है आजकल, बहुत चल रही है आजकल। गाइस कार्डी की बहुत हाइप हो रखी है क्योंकि एक तो ये सारी गाड़ियों में लगी जाती है, अलग अलग डिज़ाइन लग जाते हैं, मतलब किसी की फिटिंग सबकी अलग होती है बट हर गाड़ी में ऑलमोस्ट लगी जाती है। और आप इसका प्रोसेस भी देख सकते हो, तो भैया ने अभी जैसे ये पैनल जो है ये लूज़ कर दिया है, एंड इसके अंदर अब ये यहाँ पे लाइट जो है ये डाल देंगे और पैनल को कर देंगे टाइट। तो मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ इसका लुक कैसा आता है फाइनल निकल के। आपको सिर्फ ये एक वाइट लाइन दिखेगी आपको जिसके अंदर लाइट चलेगी, और यही खासियत है कार्डी की कि फिनिश बहुत अच्छी आती है इसकी, जिसकी वजह से इसका लाइट्स का लुक भी बहुत ही प्यारा आता है। बैक डोर पे भी गाइस लग चुकी है हमारी कार्डी यहाँ पे, तो आप इसका लुक भी चेकआउट करो एक बार, फिनिशिंग देखो आप एक बार। अभी तो इसमें लाइट जल नहीं रही है बट बिना लाइट जले भी ये देखो ऐसे लगता है, और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है लाइट की, मेन चीज़ इसकी यही है। और अभी देखोगे तो आगे भी लग चुकी है, एंड अब इसको पैनल को कर देंगे टाइट और लाइट बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगी। तो गाइस एक बार गाड़ी के ओनर से मिल लेते हैं। हेलो, कैसे हो अभिनव? बस बढ़िया सर। तो कैसे पता चला आपको इस दुकान का? बस एक दिन वैसे ही बैठा था मैं कहा चलो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, मेरी किया गाड़ी सोनेट, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, मैंने इसमें एम्बिएंट लाइटिंग इंस्टॉल करवानी थी। तो बोले एक्चुअली मैं इससे पहले करोल बाग भी गया था क्योंकि सेम रीज़न से, और स्पेसिफिकली जो कार्डी का K4 मॉडल आता है उसके लिए मेरे को करवाना था, तो वहाँ मैंने पता किया। बट वहाँ पे मेरे को उन्होंने मना कर दिया, देख लीजिए बोलते कि दो तीन गाड़ियाँ हैं जिसमें क्या बोलते इसमें इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बोलते कटिंग वगैरह कुछ होता है तो फिटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, बोलते फैक्ट्री फिनिश नहीं आती है। अच्छा। तो मैं कहा ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं यूट्यूब पर था तो मेरे को शुभम भाई की वीडियो मिली थी, मेरे को सॉलवर्ड मशीन्स में यूट्यूब चैनल देखा मैंने, एंड फिर वहाँ मेरे को पता लगा, फिर मैंने इनको इंस्टा पे कॉन्टैक्ट किया, DM किया मैंने कि शुभम भाई बताओ थोड़ा क्या है, कैसे कैसे काम होता है इसका,
उन्होंने मेरे को प्रॉपर बताया कि ऐसे कोई इशू नहीं आता है इसका, थोड़ा वो पैनल वगैरह वो खुल जाता है और फिटिंग वगैरह आ जाती है आपकी, प्रॉपर हो जाती है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर उस बाद मैंने अपने योगेश भाई आलोक इंडिया में इनको मैंने कॉन्टैक्ट किया, बोलते कि ऐसे कोई इशू नहीं आता है, बोला आप आ जाओ एक बार आपका काम कर देंगे। तो बस आज टाइम लगा तो आज आ गए और काम तो फिलहाल सुबह से आया, सुबह से चल ही रहा है काम। तो भाई स्पेशल मेंशन ये है कि भैया आए हैं शिमला साइड से, बिल्कुल। तो आप देख रहे हो रीच जो है हमारी धीरे धीरे अब दिल्ली के बाहर भी जा रही है, तो बाहर से लोग आ रहे हैं। तो भैया ने जो इशू एक्सप्लेन किया जो करोल बाग में कह रहे थे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये वाली फिटिंग होती है, तो ये करोल बाग वाले जो लोग थे वो मना कर रहे थे कि यहाँ पे फिटिंग नहीं हो सकती, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे ये वाली जो फिटिंग है उसके लिए मना कर रहे थे कि ये वाला पार्ट जो होगा फिर यहाँ पे होगा, बोलते वो फिर वो फिनिश नहीं आती, वहाँ पे उसकी लुक नहीं आई होगी। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक छेद है बेसिकली, तो इसमें वो अच्छी फिनिश नहीं आती, तो इनको यहीं पे लगवानी थी, तो करोल बाग में मना कर दिया था, बट अपने योगेश भैया ने यहाँ भी लगवा दिया है। एंड आप देखो तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको यहाँ से तो पता भी नहीं चल रहा है कि खाड़ी लगी हुई हुई है, बट ये जो पतली सी एक लाइन है ये है बेसिकली। और जब इसका मतलब इतना अच्छी फिट है जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल लुक जो गाड़ी में आएगा रात को और सुबह भी वो बहुत ही प्यारा आने वाला है। तो एक बार सारी फिटिंग हो जाए, भैया लगे हुए हैं एकदम मेहनत कर रहे हैं देखो, तो एक बार इसका पूरा फिट हो जाए उसके बाद आपको इसका ओवरऑल एक बार लुक दिखाएंगे गाने के साथ सिंक करके। तो गाइज ये लगवाई है हमने फॉग लाइट, एलईडी रहने वाली है एक्सेल लाइट की 65 वॉट्स की, एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। टू बी ऑनेस्ट रात को मतलब आप अगर सिर्फ फॉग लाइट ऑन करके भी जाओगे तो बहुत प्यार से आपको सारा रास्ता दिखेगा। एंड ये लिखी हुई है इसकी स्पेसिफिकेशंस, आप चेक कर सकते हो वीडियो पॉज करके। एंड ओवरऑल इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और ऐसा जिसकी कभी कंप्लेंट्स भी सुनने को नहीं आई है एक्सेल लाइट की। बहुत अच्छा ब्रांड है कोरिया का, तो आप भी अगर चाहो तो अपनी गाड़ी में फटाफट इंस्टॉल करवा सकते हो। गाइस वैसे तो अभी सुबह हो रही है बट एक बार आपको फिर भी इसका थ्रो चेक करवा देते हैं। एंड अभी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा होगा क्योंकि नाच नहीं हो रही, बट रात को इसी का रिस्पांस जो है ये बहुत ही बढ़िया रखता है। और ये हमने एक और वीडियो में भी दिखाया, मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में ट्राई करता हूँ, लिंक डाल दूंगा, आप उसमें एक बार रात का थ्रो भी इसका चेक कर सकते हो। तो गाइस लाइट हमारी लग चुकी है एंड ऑन हो गई है, एंड इसका आप एक बार रिस्पॉन्स चेक करो। तो ये है कार्डी K4 की खासियत कि एक ही बारी में मल्टीपल कलर जो है ये डिस्प्ले करता है। एंड सामने से कुछ ऐसा दिखने वाला है आप लोगों को डैशबोर्ड, ठीक है? तो अपना एक ये यहाँ पे सामने हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लगता है, ऊपर यहाँ पे लगेगा एंड नीचे कप होल्डर्स में। उसके बाद आप पीछे आओगे तो यहाँ पर नीचे कप होल्डर में, एंड नीचे भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी फुट वाले एरिया पे भी आपको यहाँ पे लाइट दिखेंगे, सिमिलर सामने भी। तो अभी आपको इसका ऐप भी एक बार चेक करवाते हैं कि आप ऐप से कैसे कंट्रोल कर सकते हो ये सब, बट ओवरऑल जो है कार्डी की फिनिश जो है वो ऐसी कुछ आती है। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही प्यारी और बहुत ही नीट फिनिश है। एंड ये जब बंद भी रहता है तो ये एज सच बाहर दिखती नहीं है कि आपने कुछ अलग से लगवाया हो, इसके अंदर ही बिल्कुल डल हो जाती है। तो गाइज अब काम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड मैं आपको एक बार पीछे से लुक दिखाता हूँ इसका। ओवरऑल आप देख सकते हो कुछ ऐसा लुक आने वाला है अगर आप पीछे बैठ के देखोगे, रियर में आपको दिखाऊं तो साइड में ऐसा लुक आने वाला है। यानी आप देख सकते हो ये है कार्डी K4 की खासियत, ये जो मूविंग लाइट्स हैं ये आप पीछे देख सकते हो, नीचे पैरों पे भी आ रही है लाइट, कप होल्डर्स में हर जगह लाइट है। और अभी ये तो दिन हो रही है, दोपहर हो रही है, मतलब अभी शाम के आई थिंक 3 बज रहे हैं, तो तब इसकी ये ब्राइटनेस है और ये लुक है। रात को जब आप ट्रैवल करोगे इसमें तो बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। मैं एक बार आपको ऐप भी चेकआउट करवा सकता हूँ। तो गाइस ऐसी कुछ ऐप रहने वाली है एंड इसमें देखिए आप तो अलग अलग मोड आपको दिखेंगे, ठीक है? और इसी में अगर आपको नीचे का भी चेंज करना है तो आप नीचे की लाइट भी जो है वो चेंज कर सकते हो। आपको एक बार पीछे से दिखाता हूँ इसका लुक, ये देखिए यहाँ से आप नीचे की लाइट जो है वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? एंड इसी में आप देखोगे तो और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे आपको अगर म्यूज़िक पे सिंक करना है तो आप इसमें से मोड चूज़ कर सकते हो। तो ये देखो आपको साइड पे दिखाता हूँ, तो अभी ये वाला जो मोड है ये बेसिकली म्यूज़िक पे सिंक कर रहा है एंड गाना हम चला नहीं रहे ड्यू टू कॉपीराइट इशूज़। तो इसी में मतलब आप देखोगे तो टोटल कितने मोड्स हैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस 255 मोड्स हैं इसमें अलग अलग, एंड उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। हर दिन एक नया मोड लगा के आप चलो गाड़ी में,
एंड यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको जंप चाहिए, ब्रीथ का मोड है, फ्लैश का मोड है, ग्रेडियंट वाला मोड है, तो बहुत सारे मोड है कार्डिफ K4 में, और यही इसको खास बनाता है और अलग बनाता है। एंड यहाँ से आप इसकी स्पीड वगैरह एंड इसका जो फ्लैश है, आप मतलब बेसिकली हर चीज़ का कंट्रोल आपको इंडिविजुअली दिया है। अगर आप चाहते हो कि आप एक ही कलर को चूज़ करके रखो, तो आप यहाँ से देखो, बहुत ईजीली आप एक ही भी कलर चूज़ करके रख सकते हो। एंड मोड्स भी अगर आपको सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल मोड्स का ऑप्शन भी मिलता ही है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मोड हैं, एंड आपको बहुत टाइम लगेगा ये सारे मोड्स एक एक दिन चलाने में भी। तो यही है खासियत कार्डी K4 की। बाकी एक बार ओनर से फीडबैक ले लेते हैं कि उनको काम वगैरह कैसा लगा। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि एस्थेटिकली इसकी काफ़ी मतलब अपीलिंग है आपको, मतलब कि आपका जैसे एक सराउंड साउंड जैसे एनवायरनमेंट होता है गाड़ी में, आप कहीं जाते हैं ट्रैवल करते हैं, तो मतलब एक मूड है आपका, मतलब हल्का सा हो जाता है, मतलब फील आती है, मतलब गाड़ी में मतलब एक माहौल सा बन जाता है, गाड़ी मतलब बोरिंग नहीं लगती कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। राइट, और ऐसे है कि म्यूजिक के साथ आप कुछ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो सारा आपके पूरे उसके साथ मतलब जिस हिसाब से आप माहौल चाहते हो उस हिसाब से मतलब वो आपको केटर करेगा। तो राइट, तो ओवरऑल अगर काम की बात की जाए तो आपको काम कैसा लगा, मतलब फिटिंग एंड ऑल की अगर बात की जाए, प्राइसिंग की बात की जाए, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा दुकान पे? नहीं, पहले जैसे फिटिंग से देखते हैं, फिट एंड फिनिश तो जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बाकी लोगों ने तो मना हाथ खड़े कर दिया कि नहीं भैया यहाँ पे नहीं हो पाएगा। राइट, अब यहाँ योगेश भैया ने काफ़ी अच्छा प्रॉपर सैटिस्फैक्ट्री मतलब फिट दिया है, एक एक चीज़ उन्होंने पूछा है कि क्या है, कैसा चाहिए आपको, तो उस फ्रंट में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी प्राइसिंग भी मतलब स्पॉट ऑन रही है आपकी, बिल्कुल मतलब जैसे प्राइसेस मैंने पहले भी रिसर्च करके था, चेक किए थे आसपास में क्या है, इवन करोल बाग में मैंने पता किए थे, तो उन सबसे रिलेटिवली काफ़ी मतलब आपको रेट्स वगैरह मतलब उस पर काफ़ी मतलब कम्पिटेटिव प्राइस पे देते हैं, और क्वालिटी का तो खैर आपको दिख ही गया क्वालिटी फिट एंड फिनिश कैसी है। एंड बाकी अगर कोई इशू आता है तो फिर उन्होंने पूरी सेटिस्फेक्शन दी कि आप हमारे पास आइए एंड वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। राइट, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो आपका काफी अच्छा रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप काफी दूर से आए थे काम करवाने के लिए, तो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि आप वापस निराश जा रहे हो। राइट, ठीक है। तो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।